वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक नो कम्युनिकेशन। लेट्स सी, देखते हैं नो कम्युनिकेशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, ठीक है, आप कुछ भी समझ सकते हैं। नो कम्युनिकेशन देयर फीलिंग्स, लेट्स सी। कलेक्टिव फीलिंग है, टाइम फीलिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जैसे रेजोनेट करती होती है, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नो कम्युनिकेशन देयर फीलिंग्स, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की नो कम्युनिकेशन में क्या फीलिंग्स हैं, आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। नो कम्युनिकेशन देयर फीलिंग्स। स्टैग्नेंट एनर्जी है, आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं है, आप लोग बात नहीं कर रहे, ठीक है, एक स्टैग्नेंट हुआ हुआ आप लोग का बातचीत। आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन से बात करने का, आप चाहते हैं ये पर्सन आपसे बात करे। साइलेंट एनर्जी, पर्सन खामोश हुआ हुआ है, काफी ज्यादा साइलेंट है, ठीक है। प्रिंसेस वाली एनर्जी है, बहुत एक मिस्टीरियस काइंड एनर्जी। आपको कहीं ना कहीं लग रहा है ये अपनी लाइफ में कुछ और कर रहा है, इसकी जिंदगी में कुछ और चल रहा है, कुछ हाइड कर रहा है, कुछ छुपा रहा है आपसे, ठीक है। स्नो कम्युनिकेशन में हिडन एनर्जी, हाई प्रिंसेस स्पाइसिस एंड वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न। स्टैग्नेंट एनर्जी रहना और चीज़ों को आपको, आपको एक मिस्टीरियस काइंड वाइब आ रही है इस पर्सन की तरफ से, जैसे कि कुछ छुपाना, कुछ हाइड करना, कुछ और चल रहा है इसकी लाइफ में जिसकी आपको खबर नहीं है, ठीक है। स्नो कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है, आपके पर्सन और आपके बीच क्या चल रहा है, आप बात करना चाहते हैं, ये पर्सन बात नहीं कर रहा, ठीक है। क्लैरिटी नहीं दे रहा आपको, मतलब कि एक न्यू बिगनिंग नहीं कर रहा, एक न्यू स्टार्ट नहीं कर रहा, एक आप लोगों के बीच मतलब कि आप चाहते हैं क्लैरिटी रहे, ये आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं एक न्यू स्टार्ट होने का, आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं इस पर्सन के साथ। ये आप इस पर्सन की एक क्लोज ऑफ एनर्जी, ये डैवलिश एनर्जी खत्म हो, ठीक है। मतलब एक टॉक्सिक बिहेव कर रहा है 2 मंथ से कर रहा है, ठीक है, ये इंसान। ऐसा हो सकता है यहाँ पर ये अगस्त के महीने से कर रहा है, बहुत टॉक्सिक बिहेवियर है इस इंसान का आपके साथ। इस तरीके से था नहीं, लेकिन पता नहीं, अनक्लियर है, ठीक है, आप समझ नहीं पा रहे न्यू स्टार्ट होगा या नहीं होगा। आप इस पर्सन की बहुत क्लियर न्यू बिगनिंग एक मैसेज का वेट कर रहे हैं आप इस इंसान के। आप नहीं चाहते प्लेयर काइंड एनर्जी लेकर आए, हीलिंग एनर्जी लेकर आए, मतलब कि प्योर हार्टेड एक हील होकर पीस क्रिएट कर आपकी तरफ मूव करे, एक्शन ले, ठीक है। ओके, नो कम्युनिकेशन। आप इस कनेक्शन की हीलिंग चाह रहे हैं, ठीक है, इमोशनल हीलिंग हो आप लोग के बीच, एटलीस्ट पेजेस पे बात स्टार्ट हो, लेकिन हो, लेकिन क्लैरिटी के साथ एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग हो। ये पर्सन एक मतलब कि ये इंसान एक प्योर इंटेंशन रखकर आए, आपको ऐसा लगता है ये इंसान प्योर इंटेंशन रखकर नहीं आ रहा, ठीक है, तभी साइलेंट है, तभी डिस्टेंस, तभी स्टैग्नेंट एनर्जी है, कुछ हाइड कर रहा है, कुछ छुपा रहा है, इसके प्योर इंटेंशन नहीं होते आपकी तरफ। काफी अट्रैक्टिव एनर्जी है, आपको अट्रैक्ट करती है, मैस्मराइज करने वाली एनर्जी है ये पर्सन, काफी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, आपको अट्रैक्ट करता है, इसकी पर्सनालिटी में चार्म है, एक अट्रैक्शन है जो खुद, जो दूसरों को जैसे कि अपनी तरफ खींचती है। आप चाह रहे हैं एक रीबर्थ हो, लेकिन एक सही पैटर्न के साथ, ठीक है। स्ट्रेस दे रहा है बात ना करना, बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज करके रखता है, आपको समझ नहीं आता फ्यूचर क्या होगा, ब्लॉकेजेस हैं आप लोग के बीच, इनडिसाइसिवनेस है, स्ट्रेस है, बहुत सारा बर्डन सम एनर्जी। आप कभी कभी काफी बैठे बैठे एक स्ट्रेस आपके ऊपर, एक स्ट्रेस आप फील करने लग जाते हैं स्नो कॉन्टैक्ट का। आपको समझ नहीं आता प्रॉब्लम क्या चल रही है, आपको समझ नहीं आता इश्यू क्या है इस इंसान को, या आपसे खुलकर क्लियर कट होकर बात क्यों नहीं करता, क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके आप बिला वजह मेंटल जेल में चले जाते हैं, आप बिला वजह एक स्ट्रेस में आ जाते हैं, आप बैठे बैठे नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, आप बैठे बैठे एक अपने आप को जैसे कि आप स्टकनेस स्टक फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है आपको आप फंस गए हैं। इंसान बहुत एक स्टबर्न नेचर का पर्सन है और इसने आपको ब्लॉक करके रख दिया है, मतलब कि ये इंसान कम्प्लीटली ना आपको सही तरीके से ट्रीट करता है, ना मिलता है, ना ये आपकी लाइफ से मुकम्मल तौर पर डिस्कनेक्ट होता है या आपकी लाइफ से जाता है। आपके अंदर बहुत सारा स्ट्रेस है, खासतौर पे रात में, या अक्सर आप बैठे बैठे किसी एक नेगेटिव एक इसकी प्लेयर काइंड एनर्जी को सोचते तो काफी आप परेशान डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपका दिल करता है आप इस सिचुएशन से निकल जाएं, एक रिस्क टेकिंग करें और अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूव करें, ठीक है। आप किसी तरीके का एक रिस्क टेकिंग कर आप इस सिचुएशन को लेट गो करने की कोशिश करें, आपके हाथ में ये है जो आप कर सकते हैं वो करें। आपका कभी कभी थॉट इतना इतना नेगेटिव हो जाता है इस इंसान का पैटर्न बिहेवियर देखकर, आप नहीं चाहते ऐसा सोचें, लेकिन आप ना चाह के भी इस एंडिंग को देखकर सोचें, आपको ऐसा लगता है आप कब तक वेट करते रहेंगे, आप कब तक इंतजार करेंगे इस सिचुएशन में एक न्यू बिगनिंग आने का, इस पर्सन के एक एक मैसेज इमोशनल होने का या एक हीलिंग होने का, कब तक वेट करेंगे आप, ठीक है। ओके, इस इंसान में फीलिंग्स क्या है, एक इस इंसान की प्योर फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ।
ब्रोकन एनर्जी, ये पर्सन हार्ट ब्रोकन एनर्जी में, किस तरीके का पेन है, बहुत ज्यादा हर्ट है, पेन है, ये पर्सन कम्प्लीटली हील नहीं है, इसकी लाइफ में कुछ हुआ है, कोई इसको बैक स्टैपिंग, इसको चीटेड फील होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ इसकी जिंदगी में हुआ है, इसको हीलिंग की नीड है, ठीक है। यहाँ पर ये हीलिंग मैनिफेस्ट कर रहा है, अपने आप को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, बहुत ज्यादा ये एक एक्शन मूवमेंट और अप्रोच वाली एनर्जी में नहीं आता। क्लैरिफाई दी थ्री ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, डेविलिश एनर्जी है। इस पर्सन को अगर किसी हर्ट हुआ है, पेन हुआ है, तकलीफ हुई है, तो अपने ही किसी पैटर्न, अपने ही किसी एक्शन की वजह से हुई है। इसको बैक स्टेपिंग फील हो रही है, इसको ऐसा लग रहा है ये आगे बढ़ना चाह रहा है उस चीज़ से, इसकी फीलिंग्स में है, किसी चीज़ से निकलना चाह रहा है, अपने आप को हील करना चाह रहा है। कोई चीज़ इसके, कोई चीज़ ब्लॉकेजेस है आपके और इसके बीच, कोई चीज़ ब्लॉकेजेस है जो इस पर्सन को आपकी तरफ मूव नहीं करने देती, पीस, एक पीस क्रिएट नहीं करने देती या आने नहीं देती। इसकी फैमिली हो सकती है, ठीक है, एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, फैमिली का, फैमिली की वजह से एक हर्ट है, बेचैन है, डिस्टर्ब है, फैमिली बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है इसकी लाइफ का, फैमिली एक बहुत एक ऑब्स्टिकल क्रिएट कर देती है, मतलब कि इसकी जिंदगी कंट्रोल है इसका, इसकी फैमिली का, इसकी लाइफ पे, ठीक है। फैमिली, एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, लेकिन कोई ना कोई टॉक्सिसिटी है इसकी लाइफ में, डेविलिश एनर्जी है, ये कहीं अपने आप को बंधा हुआ फील करता है अपनी जिंदगी में, ठीक है। ये सिंगल शो करता है, यहाँ पर फैमिली का बहुत इन्वॉल्वमेंट है, मैरिज को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, ये ऐसे किसी के साथ भी कोई प्रॉमिस, किसी के साथ भी बैलेंस नहीं बना सकता, इसकी फैमिली का इसके ऊपर एक असर है, एक रोप है, फैमिली के बिना या फैमिली को, फैमिली की राय जाने बिना कोई डिसीजन नहीं ले सकता। एक ब्रोकन एनर्जी है, इसको किसी तरीके का हर्ट और पेन फील हो रहा है राइट नाउ, किसी तरीके का बहुत सारा स्ट्रेस फील हो रहा है, बैक स्टैपिंग से फील हो रही है, लेकिन एक एक मतलब के जैसे कि किसी के कंट्रोल में, कहीं ना कहीं इसको ऐसा लगता है फैमिली कंट्रोल करेगी, मैरिज और कमिटमेंट रिलेशनशिप्स ये बनाना बेकार है, ठीक है, ये चीज़ फर्दर फ्यूचर में मैरिज नहीं का, फैमिली ने ही कंट्रोल करने। ओके, आपके पर्सन की प्योर फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, ट्रू फीलिंग्स। हरफिन की एनर्जी, ये पर्सन आपको काफ़ी अपने आप से डिफरेंट देख रहा है, ठीक है, एक आप लोग के बीच एक डिफरेंसेस हैं, ठीक है, एक डिफरेंट पर्सनैलिटी, एक डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट बैकग्राउंड से आप लोग आते हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच। क्लैरिफाई दी हेरोफेंट, ये इशू हो सकते हैं, शायद इस पर्सन को ऐसा लगता है फैमिली इस चीज को लेकर काफी ज्यादा बड़ा इशू क्रिएट कर सकती है। क्लैरिफाई दी हेरोफेंट, ये पर्सन किसी तरीके का एक्शन तो लेना चाह रहा है, लेकिन वाउंडेड है, डिफेंसिव है, डरा हुआ है, ठीक है, आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करता है, अट्रैक्शन है इसकी फीलिंग्स में आपको लेकर, अट्रैक्शन है, पैशन है, ठीक है, एक्शन लेना चाहता है, ऐसी बात नहीं है, एक्शन लेना नहीं चाहता, एक्शन लेना चाहता है, लेकिन अपने आप को सेफ एंड सिक्योर रखकर, वाउंडेड है, जख्मी है, गार्ड्स अप है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है, फाइट नहीं, मतलब कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं चाह रहा, इसको प्रॉब्लम से भाग रहा है, प्रॉब्लम नहीं फेस करनी, किसी भी लेवल पे आके प्रॉब्लम फेस नहीं कर रही, अपने आप को प्रोटेक्ट रखेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी जख्मी हुआ हुआ है, कोई इसका रिलेशनशिप कोई एंडिंग पे आया है, कोई रिलेशनशिप खत्म हुआ है, कोई ना कोई दिल से जुड़ी इसकी कोई पेन है, इसको चीटेड, इसको कुछ ना कुछ ऐसा फील होता है जो इसके साथ गलत किया है, सामने वाली पार्टी ने गलत किया है, सामने वाले इंसान ने गलत डील करा, ऐसा हो सकता है आपसे पहले किसी कनेक्शन में हो, कोई रिलेशनशिप रहा हो और यहाँ वहां पर भी कोई एक इशू बना हो, ठीक है, उसकी वजह से एक वाउंडेड एनर्जी है। क्या इंटेंशन रखता है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर, थॉट प्रोसेस में क्या रहता है, इंटेंशन क्या रहते हैं इसके, ठीक है, ओके, इंटेंशन में तो थोड़ा सा डिफेंसिव है, इंटेंशन में तो थोड़ा सा एक अपने 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 साथ ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, गार्ड्स अप किए हुए, ठीक है, और विश विश है इस पर्सन की यहाँ पर, लेट्स सी किस तरीके की विश है सृष्टि को लेकर इस इंसान के अंदर, क्या इंटेंशन रहते हैं। ओके, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, आपको अच्छा इंसान समझता है, बेस्ट फ्रेंड समझता है, बेस्ट पर्सन समझता है, एक सोल काइंड एनर्जी, जिसके साथ कुछ भी कह लो, बहुत सीधा, सोबर, इनोसेंस काइंड एनर्जी में है, ठीक है। टू ऑफ कप्स, इंटेंशन प्योर है, आपके साथ टू ऑफ कप्स शेयर करना चाहता है, इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, आपको एक एम्प्रेस की तरह देखता है, आपके साथ कनेक्शन को डेवलप रखना, मेंटेन रखना, ठीक है, आने वाले टाइम पे एक फाइट करने को रेडी हो गई इंसान इस रिश्ते के लिए, अपनी फैमिली में काम करना चाहता है, इंटेंशन में इस रिश्ते पे वर्क करना चाहता है, ठीक है, इस पर्सन को लगता है कि इस पर्सन को यहाँ पर चेंज लेकर आना चाहिए, लेकिन एक नाइट ऑफ सोर्ड्स, हाँ चेंज आएगा, सडन चेंज आएगा, लेकिन यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है इसकी फैमिली का, ठीक है, यहाँ पे उसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है, टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, दो तरीके के थॉट है इस पर्सन के माइंडसेट में, ठीक है,
फैमिली यहाँ पर बहुत बड़ा एक रोल अदा कर रही है इसकी लाइफ में, आपको लेकर बहुत इंडिसाइसिव है, तो फैमिली बहुत बड़ा इशू है। जो जिस तरीके से फैमिली कंट्रोल करती है, रूल करती है, फैमिली जिस तरीके से चीज़ों को चलाती है, पर्सन डरता है आउटसाइड इंटरफेयर, ये फैमिली का इंटरफेयर और जो आप लोग के रिलेशनशिप में काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है, आपके पर्सन को सोचने पे मजबूर करता है। अगर आपको होपफुल कर दिया और फ्यूचर में फैमिली ना मानी तो फिर क्या होगा, ठीक है, फिर कहाँ का रह जाएगा ये रिलेशनशिप, फिर कहाँ की रह जाएंगी आपके पर्सन की बातें। ओके ऐसा हो सकता है यहाँ पर आप लोग रिलेशनशिप में फाइनेंशियल इश्यूज हैं, आपके पर्सन को ऐसा लगता है फाइनेंशियल कोई डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच, ठीक है, कोई फाइनेंशियली आप लोग के बीच एक डिस्टेंस है, डिफरेंस है, ठीक है, ये चीज आपके पर्सन को ऐसा लगता है बाद में जाके इम्पैक्ट असर रहेगा इस चीज का, ठीक है। ओके व्हाट्स नेक्स्ट इन दिस रिलेशनशिप। बहुत ज्यादा सोचे चलने वाली है, ओवर थिंकिंग रहने वाली है, टावर मूवमेंट है आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है, एक बहुत ज्यादा रियलाइजेशन आपके पर्सन को आने वाले टाइम में कुछ रियलाइज होने वाला है, बहुत ज्यादा अकेलेपन से जब ये गुजरेगा, बहुत ज्यादा चॉइसेस हैं इस पर्सन की लाइफ में, ये पर्सन चाहे तो किसी को भी चूज कर सकता है, लेकिन ये इस डिस्टेंस से बहुत ज्यादा घबरा रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, परेशान हो जाएगा, ठीक है। टेन ऑफ कप्स, ये ड्रीम दिखता है आपके साथ एक परफेक्ट मैरिज कमिटमेंट का, ठीक है, लेकिन आप होपलेस एनर्जी में, आपको ऐसा लग रहा है ये रिश्ता नहीं बन पाएगा, ठीक है, ये पर्सन एक क्लियर काइंड एनर्जी में रहेगा, ये पर्सन हमेशा एक एंजॉय करता रहेगा, ठीक है, आपको ऐसा फील हो रहा है। आपके पार्टनर, आप जस्टिस चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, आपकी डिमांड ये है, आपको बैक स्टेपिंग सी एनर्जी मिलती है, आपको लगता है आपको चीट करता है, ये इमोशनली नहीं है आपके साथ, इसको प्यार नहीं है आपके साथ, इसको कनेक्शन नहीं है, ठीक है, आप यहाँ पर सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करे जा रहे हैं अपने ऊपर, ठीक है, अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना, अपने सेल्फ को बैलेंस करना, खुद को स्टक और कंफ्यूज फील करते हैं एक बास टाइम, आपको ऐसा लगता है आप स्टक हैं किसी सिचुएशन में, कंफ्यूज होकर रहते हैं, आपको करना क्या चाहिए, व्हाट्स नेक्स्ट, इस रिश्ते में किस तरीके का एक्शन लें, किस तरीके का एक्ट करें जो रिश्ता एक सॉल्व हो, ठीक है। बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन है आपके रिलेशनशिप में, बहुत सारी कन्फ्यूजन है, बहुत सारी चीजें हैं जो ज्यादा मिसिंग सी हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं, डिस्टेंस है आप लोग के बीच, आपके पर्सन आने वाले टाइम में इस डिस्टेंस से इरिटेट होने वाले हैं, कुछ सोचने वाले हैं, और मतलब कि एक आपको लेकर बहुत ज्यादा रियलाइजेशन आने वाले टाइम पे आपके पर्सन फील करेंगे, और आप बहुत ज्यादा होप लूज करते जा रहे हैं डे बाय डे, आपको लगता है आप गलत जगह फंस गए, आपको लगता है आपने आप इमोशनली अंदर से भी आप डिटैच भी हो जा रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप एक प्लेयर प्लेयर को डील कर रहे हैं, या आप एक ऐसे ऐसे इंसान को डील कर रहे हैं जिसके अंदर एक समझ नहीं है, बूझ नहीं है, तरीका नहीं है चीजों को डील करने का, ठीक है, आप इस तरीके से इस इंसान को देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव वाइब्रेशन है, आप लोग के बीच कुछ पॉजिटिविटी आपको फील होने वाली है आने वाले टाइम में, आपके पर्सन का बिहेवियर माइंडसेट चेंज होने वाला है आपको लेकर, कुछ यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में कोई टावर होगा या एक सडन डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है, आपके पर्सन बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लें, तब आपके पर्सन को समझ में आए नहीं आपके साथ जो है वो किसी और के साथ नहीं हो सकता, आपके साथ जो है वो किसी और के साथ मिल नहीं सकता, ठीक है। तो स्टूडियो को अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।